मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, लोग इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। और मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बना ले क्योंकि जो मैच आज हुआ है और हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो आपने सुना है कोई बात बोली जाती है कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके, तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर है इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है, इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है। एक तरह से टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने ओडीआई क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये बहुत बड़ी बात है। माना कि एशियन कंडीशंस है, माना कि घर पे खेल रहे हैं, मगर जैसी मर्जी पिच हो, पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, गेंद रुक रहा था, सीम भी हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था और ओस भी थी, मगर उसके बावजूद सारे डिपार्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और ये एक इनर बिलीफ जो होता है ना, वो आपको आगे लेके चलता है। फास्ट बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस, मैंने तुम लोग को इंडियन दोस्तों कितनी दफा मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई जो फास्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंस होती है ना, वो जितनी मर्जी सेंचुरीज मार लो, जब बॉल स्विंग हो रही होती है ना इधर उधर सीम शीम, और जब पेस निकल रही होती है, इससे बेहतर साइट कुछ भी नहीं होती क्रिकेट के अंदर। तुम लोगों ने श्रीलंका की बेइज्जती की है उनके ऊपर 350। एक तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि श्रीलंका को जाके कोई बता भी रहा था कि भाई ये लोएस्ट रिकॉर्ड ही कम अज कम बचा लो, और कुछ करना है कि नहीं करना है। वैसे इनके बेचारों के हाथ में था भी क्या, वो करते भी क्या। एशिया कप की हाईलाइट्स एक दफा फिर दिखा दी यार, ये इसलिए हमने देखा था ये मैच, बल्कि